बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो कक्षा 10 मैट्रिक के छात्रों के लिए बनाया गया है, जिसका परीक्षा 15 फरवरी से बिहार बोर्ड वाले के लिए। और ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और मैं आपका बिल्कुल बहुत ही कम समय लूंगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता के जाऊंगा जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, वरना आपका अंक कम आ सकता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्रों को कि अभी वो लगे हुए हैं मैथमेटिक्स के चक्कर में, अपना ज्यादातर समय उसी विषय को दे रहे हैं, जबकि आप वास्तविकता को समझिए। आप पूरे साल किस विषय को सबसे ज्यादा पढ़े हैं? तो आपका जवाब आएगा, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे तो आएगा वो गणित। आप गणित सबसे ज्यादा पढ़े हैं, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा पढ़े हैं। हो सकता है कई छात्र ऐसे हैं जो एक एक्स्ट्रा ट्यूशन लिए होंगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, और फिर भी अगर आपका दोस्त आज आपको बोले कि बुक उठाए और कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, तो आपसे अगर वो नहीं बन रहा है और दिक्कत हो रहा है मैथ में दूसरे तरीके से भी, आपको लग रहा है कि नहीं मैथ में मेरा नंबर कम आ सकता है, तो आप समझिए कि अब परीक्षा का बहुत ही कम समय बाकी है। और अगर आप अभी लगे रहेंगे उसी विषय के चक्कर में, तो परीक्षा होता है बाबू 500 नंबर का, और सब पेपर जो होता है ना बराबर योगदान देता है आपके रिजल्ट में, तभी आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। तो अभी आप ध्यान रखिए कि हर एक विषय को आपको वक्त देना है ताकि ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा आ सके। आपको करियर बनाने के लिए या किसी दूसरे आपका जो भी फ्यूचर गोल है उसके लिए कोई एक खास सब्जेक्ट ज्यादा महत्व रख सकता है, वो बात मैं आप समझता हूँ मैं आपकी। लेकिन अभी परीक्षा आ रहा है नजदीक, तो आपको क्या करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी पढ़ना है, क्योंकि एक बार परीक्षा में बेहतरीन नंबर आ गया तो जीवन भर आपके मार्कशीट पे दिखेगा। 10वीं पहला सोपान होता है, अगर आप अभी 10वीं में अच्छा नंबर लाएगा तो जीवन भर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रहेगा कि आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, आप हर एक विषय को अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए। अभी वक्त बर्बाद करने का एक भी आपके पास एक भी समय नहीं है, तो पढ़ाई कीजिए। जरूरत पड़े मोटिवेशन वीडियो का देखने का तो वो देखिए, आप फिर पढ़िए, और लेकिन पढ़िए अभी, और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, जो फेयर नोटबुक है, जो नोट्स बनाए हैं उसको उलट उलट के देखिए बार बार। हिंदी जैसे विषय को भी पढ़िए, हर एक विषय पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो विषय में आप एवरेज हैं उसको आप ऊपर ले जाइए, ना कि एक ही विषय के पीछे पागल होकर पड़े रहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं काफी सारा वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिसमें मैं वीवीआई वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा और जो भी चीजें होती है वो सब मैं आपकी मदद करूंगा। आपको अगर कोई चाहिए, कुछ पूछना है, कमेंट कीजिए। आपको जो भी जिस विषय पे भी वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा आपके लिए। और यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है फ्री में, तो आप उसको देखिए, रिवाइज कीजिए और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से जारी रखिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग जो 12वीं के छात्र हैं अभी और 10वीं वाले भी, टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन पेपर खरीदने के चक्कर में फ्रॉड लोग के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा फ्रॉड लोग है। वो क्वेश्चन पेपर देने के नाम पे 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 300, 400, 500, इस तरह से 50 तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा वो ठगी कर रहे हैं। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, कोई भी पैसा लेके 100, 500 लेके आपका बोर्ड एग्जाम का फाइनल जो क्वेश्चन पेपर होता है नहीं दे सकता है, एकदम असंभव। अगर ऐसा होता तो हर कोई पास कर जाता है लेके क्वेश्चन पेपर, तो किसी के पास भी ऐसा नहीं रहता है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना, पैसा देके अभी आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये एकदम इम्पॉसिबल चीज है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। और एक और जरूरी बात, अगर आप पूरा साल कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ाई किए हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में परीक्षा हॉल में अच्छे से अगर आप प्रेजेंट नहीं कीजिएगा तो आपका अंक जो हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा। तो ये दो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक में मैं परीक्षा में कैसे आपको पेपर लिखना है उसके बारे में बताया हूँ, और दूसरा कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप कैसे सही ऑप्शन तक जा सकते हैं बिना अगर आपको नहीं क्वेश्चन आता है फिर भी, और तुक्का वगैरह कैसे लगाते हैं, तो सबका वीडियो पड़ा हुआ है। कुछ छात्र है जो पढ़ने में एकदम कमजोर है, तो उसके लिए तो खास ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो महत्वपूर्ण है, जो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 50% क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, 50% क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर मैथ में मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, मान लीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपको उसका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं बना है तो क्या दिक्कत है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 50% चीज तो आप छोड़ ही सकते हैं, 50% जो आसान आ रहा है उसको बना लीजिए, तो पेपर आपका ऐसे ही आसान है इस मामले में। तो आप किसी मान लीजिए गणित में कुछ चैप्टर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा साल अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, उसको आप छोड़ दीजिए, और बाकी जो है जो आपका आसान है जिसमें आप बेहतरीन ला सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हिंदी पढ़िए, हिंदी में 80-90+ लाना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, और डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर किनका कौन सा विषय मजबूत है उस हिसाब से, ठीक है। और इंग्लिश अगर आप पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़े तो उसके लिए भी कुछ वीडियो आएगा जो बेहतरीन होगा और मार्क्स आपको दिला के जाएगा, तो वो सब वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो उसको कर लीजिए, और 15 दिन है अभी, लगे रहिए एकदम, तो चल के कीजिए तैयारी और अपना परीक्षा में बेहतरीन अंक लाइए, ठीक है।